नमस्कार दोस्तों, मम्मी पापा किचन में आपका स्वागत। आज हम बनाने जा रहे हैं चित्रा राजमा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैंने ये कुकर में तकरीबन पाव के करीब जो राजमा हमने रात को भिगो के रख दिए थे, 5 सीटी लगवाएंगे। 3 सीटी लग चुकी हैं, ये चौथी सीटी आ रही है। और साथ ही में हम जो इसकी जो ग्रेवी है, जो मसाला, वो तैयार कर ले। कढ़ाई में हमने खड़े मसाले हैं वो डालेंगे, तेज पत्ता, जावित्री, एक इलायची और दालचीनी के छोटे पीस। गैस का जो फ्लेम है, तेल हमारा पूरा गर्म हो चुका है और इसमें अब डालेंगे चॉप की हुई प्याज, जो कि हमने 2 से 3 के करीब हमने जो प्याज ली है। इसको थोड़ा ब्राउन होने पर ऐसे ही इसको फ्राई करेंगे। और साथ ही में आप देख सकते हैं हमारा जो जिंजर है, हमने छोटा टुकड़ा लिया है, अदरक का पीस, और एक पोती हमने जो लहसुन की ली है मोमदस्ती में उसमें कूट लिया है, और ये हमने कद्दूकस कर लिया। तो थोड़ा ब्राउन होने पर ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। तो राजमा में हमारी जो 5वीं सीटी आ चुकी है, फ्लेम को आप ऑफ कर देंगे। और इस साइड आप देख सकते हैं हमारी जो प्याज है ब्राउन हो चुकी है। तो इसमें हम जो ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन निकालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज अपना फेस क्यों नहीं दिखा रहे क्योंकि आज सुबह हमने पहले एक वीडियो शूट किया है, वो हमारे जो गैस का जो फ्लेम सही नहीं चल रहा, तो गैस की सर्विस की है। अगर वो आप तो हमारी को वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हल्का फ्राई करने के बाद इसमें हम सूखे मसाले अपने ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें हमने जो ऐड किया अब सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक हमने पहले भी उसमें उबालते वक्त डाला था 1/2 चम्मच, तो 1/2 चम्मच इसमें और ऐड कर देंगे। 2 गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। टमाटर हमने जो ग्राइंड किए हुए हैं, 2 बड़े टमाटर हमने लिए हैं, वो डाल देंगे। तो बात कर रहा था कि भी आज हम अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आज हम नहाए नहीं हैं, मैं नहाया नहीं हूँ, तो इसलिए शक्ल से बेशकल हुए पड़े हैं। सुबह से इसमें गैस की सर्विस में लगे हुए थे, तो हमने ये आज थोड़ा सा नहाने में देरी होगी, तो हमने ये दूसरी रेसिपी भी शूट करनी चाहिए, तो इसलिए अपना फेस नहीं दिखा रहे। तो लो कर देंगे और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको मसाले को भुनने देंगे। और ये हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हम, गैस का फ्लेम में हम कर लेंगे। जब मसाला थोड़ा और तेल छोड़ देगा, इसमें हम जो हमने राजमा उबाले हैं वो इसमें डाल देंगे। देखिए मसाला अच्छे से हो चुका है, एकदम तेल छोड़ दिया है मसाले में। अब इसमें हम अपनी जो राजमा है वो डालेंगे। ये देखिए राजमा डाल दिए हमने, तो थोड़ा पका लेंगे, क्योंकि हमने राजमा डाले हैं इनमें मसाला जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम चमचे से दबा देंगे, इससे थोड़ी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। जो ये हमारा तेज पत्ता है इसको निकाल देंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा देंगे राजमा को। अब इसमें जो हमारे मसाले रह गए थे वो डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला, ओके मिक्स करेंगे। इसको गैस लो करके और इसको कवर करेंगे कि हम इसको पकाएंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं अब जीरा राइस। तो कुकर हमने चढ़ा दिया है गैस पे, अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं, हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को थोड़ा सा तड़कने देंगे,
और ये हमने दो प्याज काट के रखी हैं, ये भी साथ ही डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे इसको, गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएंगे। तो देखिए नहा धोकर वापस आ चुके हैं और चित्रा राजमा है बनके का तैयार है। इसमें अब जो एंडिंग में डालेंगे कसूरी मेथी, हरा धनिया, हमारे जो चावल है प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसको थोड़ी देर जब रखेंगे तो इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। डेढ़ ग्लास जो चावल लिए थे, जो प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, ऐड करेंगे नमक। नमक तकरीबन हमने लेना है पौना चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसे। और गरम मसाला डालेंगे आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा और इसको मिक्स कर देंगे। हमने जो डेढ़ ग्लास चावल लिए थे तो अब इसमें सवा दो ग्लास, वही ग्लास जिसमें हमने चावल मिले थे उसमें सवा दो ग्लास पानी के डालेंगे। तो सवा दो ग्लास पानी जा चुका है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। और जो साइड पे लगे हुए हैं उसको प्लीज नीचे कर दें, नहीं तो वो बाद में वो कच्चे बीच में डिस्टर्ब करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपना खाना बनाएं तो अपने प्रभु अपने इष्ट देव का नाम जरूर लेते जाएं। दो काम होंगे उसमें, एक तो प्रभु को अपने ईश्वर को आप याद भी करेंगे, पाठ भी चलता रहेगा और अपना खाना भी बनता रहेगा। खाना है वो अमृत के समान बन जाएगा और हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और टेस्ट में भी जो अमृत है वो तो फिर टेस्ट में भी भरपूर होगा। तो इसमें जो सीटी हैं तकरीबन दो सीटी के करीब इसमें सीटी लगवाने के बाद इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसकी जो विसल नहीं निकालेंगे, अपने आप जो विसल निकल जाएगी तो इसको खोल के सर्व करेंगे। तो गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसकी जो स्टीम है बीच में ही रहने देंगे। नमस्कार दोस्तों, बता सकते हैं ये क्या चीज है? ये हमारे पंजाब में मिलने वाली, इसको बोलते हैं ककड़ी, पंजाबी में फुट्टा भी कहते हैं, फुट्टा। तो हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके शहर में ये मिलती है या नहीं मिलती ये आइटम। ये सैलड के तौर पे आपको खाओ, मतलब ये खरबूजे की तरह होता है, जैसे खरबूजा होता है उसे वैसे ही होता है। इसको छीलेंगे, जिसका जो टेस्ट है इतना बढ़िया, इतना मज़ेदार टेस्ट आता है कि जैसे हम कोई खरबूजा खा रहे हो। खरबूजे का टेस्ट तो मीठा होता है मगर जो इसका जो होता है खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है और बहुत ही खाने में टेस्टी होती है। राजमा चावल के साथ हम इसको खाएंगे। तो हमें ये दोनों के दोनों ऐसे छीलनी है, तो जो काटने में कुछ अंदर से ऐसे जैसे खरबूजा निकलता है वैसे निकलता है। इसको हम चम्मच के जरिए इसको ऐसे इसके जो बीज हैं वो निकाल लेंगे। इसके कलर में कभी अंतर हो जाता है, जैसे इसका देखो दोनों का कलर अलग अलग है, ये थोड़ा सा वाइटनेस में है और ये येलोपन में है। सेंधा नमक यूज करके सेंधा नमक डालें। तो देखिए हमारी ये खकड़ी है काट के तैयार कर ली हमने, नमक इसमें सेंधा नमक डाल लिया, तो इसको खाएं। बहुत बढ़िया, दूसरा कलर भी टेस्ट करेंगे। हमारी थाली अब रेडी है, राजमा जो हमने बनाया और साथ में चावल, बिल्कुल देसी तरीके से देसी स्टाइल में बैठ के जमीन पे बैठ के हम सारा परिवार बैठ के खाना टेस्ट करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट, जो मसाले हैं नमक है बिल्कुल ओके है। आप भी अपने घर में ऐसे ही बनाएं, खाएं और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस तरीके से चित्रा राजमा बनाकर कैसा टेस्ट आया। और हमारे चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।